हेलो, मेरा नाम दिव्यांशु गहलोत और मैं यहाँ पे यूक्रेन में हूँ अभी। और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और मैं यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट का प्रेसिडेंट हूँ, इवानो फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पे सुबह से रशिया ने बॉम्बिंग कर रखी है। यहाँ पे हर 15 मिनट में किसी न किसी सिटी के अंदर बॉम्ब फट रहा है। और यहाँ पे कंडीशंस बहुत ज्यादा बेकार हैं। और हम लोग इसलिए जुड़े हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोगों को प्लीज प्लीज यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे। क्योंकि फूड यहाँ पे मार्केट्स में खत्म हो चुका है, एटीएम्स में पैसे नहीं है, विड्रॉल नहीं कर सकते हो आप, सारी चीजें बंद हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ कंडीशंस बहुत बेकार है। और अगला बम रिंग पता भी नहीं है कहाँ पे होगी, किस जगह होगी। हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हम सबसे, इंडियन गवर्नमेंट से सबसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लीजिए, प्लीज यहाँ से निकाल लीजिए जल्द से जल्द। मेरे साथ और भी मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त जुड़े हुए हैं, ये भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस बहुत खराब है। मेरा नाम मानवी भार्गव, मैं इवानो फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और आज यहाँ सब जुड़ने का सिर्फ यही मकसद है कि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज हम यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क में हैं और हमें यहाँ से जल्द इवैक्यूएट करा जाए। हेलो, मैं अपूर्वा इवानो फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन से हूँ। हम सभी यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमारी फ्लाइट थी कल की जो कि कैंसिल हो गई है क्योंकि आज ही वार सिचुएशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जो अटैक हो रहे हैं, जो मिसाइल्स देखने को मिल रही है, कई वीडियोस शेयर हो रही है, हमने सामने से भी देखा है लाइव। तो हमें हमें इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए जल्द से जल्द। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।